ये दोनों खेल रहे हैं पूल, ये वेल्स का पूल क्लब है तो हमने कहा थोड़ी सी पूल खेली जाए। ये है ऑटोमेटिक स्कूटी, ये देखें ये इसका क्यूआर कोड है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करने से पहले आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने पिछले व्लॉग में काफ़ी मुझे प्यार दिया, इसी तरह प्यार देते रहे, मैं आपके लिए व्लॉग्स बनाता रहूँगा। तो आज का व्लॉग यार, हम घर से निकले हैं और हमने जाना है एक जगह पर इंटरव्यू देने, तो दुआ करिएगा आपके भाई को जॉब मिल जाए। इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इंटरव्यू का क्या प्रोसेस चलता है, कोशिश करूँगा वीडियो रिकॉर्ड करने की, बट कन्फर्म नहीं है क्या वहाँ पे सिनेरियो है क्या नहीं है। अब तो हमने जाना है दूसरे शहर बस पकड़ के, उसके बाद वहाँ से हमने फिर कंपनी में जाना है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये सब कुछ कैसे प्रोसेस चलता है और क्या क्या इसके अंदर चीज़ें होती हैं। तो दुआ करिएगा आपको जॉब मिल जाए। बाकी आप मुझे बता दें आपको किस किस टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ चाहिए, मैं वो उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूँगा। अच्छा, इसका आज का मौसम बड़ा प्यारा हुआ हुआ, मैं आपको मौसम दिखाता हूँ। ये देखें आप यहाँ का एटमॉस्फेयर देखें, कितना साफ़ और क्लियर एटमॉस्फेयर है। और बादल आए हुए हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही। कल 3 से 4 दिन, कल और उससे पहले 3-4 दिन बहुत तेज़ बारिश हुई है, बट अभी मौसम साफ़ है, बादल हैं बट बारिश नहीं है। और वो सामने वाली साइड पे ना, उस तरफ बादल भी नहीं है और सूरज भी हल्का हल्का नज़र आ रहा है। इसी तरह यहाँ पे पीछे भी है, देखें बादल भी नहीं है, सूरज भी हल्का हल्का है। तो मौसम आज का बहुत प्यारा है, उम्मीद करते हैं कि इस प्यारे मौसम के अंदर हमें प्यारी सी जॉब भी मिल जाए। तो चल के देखते हैं क्या सीन है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी। बात तो मेरी हुई थी तो उसने कहा था वो देखते हैं, तो अब देखेंगे जाके कि वो क्या कहता है क्या नहीं कहता। तो लेट्स गो। अच्छा, तो बस हमारी आ गई है, बस बस रोज की तरह आज खाली है। ये देखिए हम अपने बस स्टॉप पे आ गए, मतलब बस टर्मिनल पे। यहाँ से हमने 600 नंबर बस पे बैठना है एंड वो हमें लेके जाएगी दूसरे सिटी। सेकंड नंबर पे हमारी बस है 600, जो आएगी 10:20 पे, जिसने वेल्स जाना है। लेकिन वेल्स के सेंटर में एक इनका है स्टॉप मेरा, जहाँ मैंने उतर जाना है, ये जो आया अभी। तो अभी 9:57 हुए हैं, तो वेट करते हैं अपनी बस का और देन मैं आपको लेके चलता हूँ जहाँ पे मैंने इंटरव्यू देने जाना है। अच्छा, वो काफ़ी प्यारा सिटी है, आपको सिटी का टूर भी कराऊंगा, शॉर्ट टूर। अच्छा, आप देख सकते हैं कि अभी 2 मिनट गुजरा, ये हमारी बस आके खड़ी हो गई है। ये देखें 600 नंबर बस है, वेल काइज़र जोसेफ प्लाट, इसका लास्ट स्टॉप है, ये बस है जिसके अंदर हमने जाना है। आप ये बस का साइज देखें, ये और ये 20 मिनट पहले ही आके खड़ी हो गई है। वो इसका ड्राइवर जा रहा है, अभी आ जाएगा लेकिन कहीं जा रहा है। तो ये हमारी बस है जिस पे हमने जाना है, तो अभी वेट करते हैं। Okay. So, okay, right.
अच्छा तो यार हम उतर गए हैं अपनी लोकेशन पे और आप ये व्यू देखिए कितना प्यारा है। यहाँ बादल हैं और यहाँ पे बादल नहीं है। अच्छा तो यार सीन ऐसा है कि मैं जा रहा हूँ अब उधर, यहाँ से तकरीबन थोड़ी देर का है 700 मीटर है जहाँ पे उनकी कंपनी है, तो अब वहाँ पे जाके मैं आपको दिखाता हूँ क्या सीन है क्या नहीं, अगर तो वहाँ वीडियो बनाने दी उन्होंने। यहाँ भी ना इन्होंने सिग्नल बनाया हुआ है, ये देखिए ये सिग्नल है, ये जब ग्रीन होगा तब हमने ये क्रॉस करनी है रोड। उससे पहले अगर करते हैं तो होगा कुछ नहीं, लेकिन अगर किसी पुलिस वाले ने देख लिया तो वो फाइन भी आपको कर सकता है। तो बेहतरी इसी में है कि आप रूल्स को फॉलो करके चलें हर जगह पर, चाहे कोई देख रहा है या नहीं देख रहा, क्योंकि कहते ना बाबू भैया बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना मेरे को। अब ये ग्रीन हो गया, अब हम कर सकते हैं, अब किसी की ऐसी की तैसी कोई हमारे ऊपर से गाड़ी गुजारे या कुछ करे, तो इसलिए रूल्स फॉलो करके चलेंगे, आपकी ज़िंदगी बड़ी बेहतर हो जाएगी और सुकून में रहेगी अगर आप रूल्स फॉलो करेंगे। अच्छा तो यार ये इनका ऑफिस है अमेज़न का, इन्होंने अमेज़न के प्रोडक्ट्स बनाई हुई हैं, देखें डब्बों की ना। ये इन्होंने टेबल टेनिस लगाया हुआ है। तो यार मैंने इंटरव्यू वगैरह दे दिया है, तो सीन कुछ ऐसा बना है, ये इनकी कंपनी थी। तो अब सीन पहले तो ये है कि हमने पकड़नी है बस जो कि 5 मिनट में आने वाली है, तो हमें भागना पड़ेगा। तो मैं बता रहा था आपको, मैंने इंटरव्यू तो दे दिया है, अब वो कहते हैं कि हम आपको बताएंगे। मसला बेसिकली वही था कि जर्मन का। अच्छा तो यार बस में मैं बैठ गई हूँ, आप हम जा रहे हैं वेल्स में, मैं छोटा सा काम है, उसके बाद हमें जाना है लेंस। तो अभी ये मैं आपको बस दिखाता हूँ। अच्छा ये हमारी बस है, ये देखें। तो अभी हमने अपनी यूनिवर्सिटी के पास जो इनका मेन बस टर्मिनल है काइज़र जोसेफ प्लाटस, उधर हमने उतरना है। उसके बाद अली भैया हैं, आप जानते होंगे, मैंने उनके पास जाना है और उनके पास थोड़ा सा काम है, देन उसके बाद हम वापस लेंस जाएंगे। अच्छा तो यार अली भाई के पास, अली भाई से मिलने के बाद हम पूल आ गए, ये दोनों खेल रहे हैं पूल, ये वेल्स का पूल क्लब है, तो हमने कहा थोड़ी सी पूल खेली जाए। तो स्नूकर खेलते वाली भाई, हाय हाय हाय,
अच्छा तो यार स्नूकर खेल के मैं निकल गया हूँ बानोफ की तरफ, तो ये सामने बस स्टेशन है, सॉरी ट्रेन स्टेशन है। अब हमने यहाँ से अपनी ट्रेन पकड़नी है और लिंस जाना है और फिर अब हमने अपने घर जाना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे एक नई चीज़। अच्छा यार ये ना स्कूटी यहाँ पे खड़ी होती है, ठीक है ये देखें ये वाली, ये है ऑटोमेटिक स्कूटी। ये देखें ये इसका QR कोड है, इसके ऊपर भी ना मैं स्पेसिफिक एक वीडियो बना लूंगा। अच्छा तो स्कूटी के ऊपर भी ना मैं एक वीडियो स्पेसिफिक बनाऊंगा कि इसको यूज़ कैसे करना है और इसको मतलब आपने इसकी पेमेंट कैसे करनी है, कैसे चलती है, कहाँ पे आप इसको कहाँ तक लेके जा सकते हैं, इस पर कम्प्लीट एक वीडियो बना दूंगा। अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि हमें इसके ऊपर भी एक स्पेसिफिक वीडियो चाहिए, तो उस पर भी आपके लिए ना एक वीडियो मैं स्पेसिफिक बना दूंगा कि आपने स्कूटी यहाँ पर यूज़ कैसे करनी है, क्योंकि ये तकरीबन पूरे यूरोप में है। तो ये जब बस का यूज़ तब होती है जब आप कहीं लेट हो रहे हो और आपने जल्दी पहुँचना हो। अच्छा तो हमारी ट्रेन आने वाली है 55 पे और 2 मिनट रह गए हैं। तो यार अली भाई के पास से हम लिंस पहुंच गए हैं, तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँ। उम्मीद करता हूँ आपको व्लॉग पसंद आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा चैनल के साथ। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।